I hope you are all good and safe. So yeah, this is me Sneha and welcome back to my channel The Beauty Modes. So guys, today's video is my birthday makeup look video. So आज मैं share करने वाली हूँ आपके साथ मेरा birthday makeup look. So guys, ये video मैं shoot कर रही हूँ like Monday को ही. So guys, मैं अपने birthday के लिए ready होने जा रही थी. मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ अपना birthday makeup look share करती हूँ कि कैसे मैं ready होती हूँ like जल्दी जल्दी अपने birthday पे. सो इस टाइम पे ना गाइज ऐसा सीन हो गया है कि मेरा जो बर्थडे है ना वो मंडे को ही पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं आपके साथ अपना लुक शेयर कर पा रही हूँ लाइक जैसा मैं अपने बर्थडे पर रहने वाली हूँ. सो ये मेरा लुक है, आप देख सकते हैं. एंड गाइज, जो आप ये नेकलेस देख रहे हैं ये मीशो से है एंड मुझे ये गिफ्ट दिया हुआ है मेरे सिस्टर ने. एंड इसका लिंक मुझे मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. एंड यार गाइस, ये जो लुक है ना काफ़ी ज़्यादा इजी है एंड बहुत जल्दी मैंने इसको क्रिएट किया है. सो अगर कहीं ना कहीं मुझसे मिस्टेक हो गई तो प्लीज़ उसे माइंड नहीं करिएगा, थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा. एंड यार गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो देन प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए. देन बगल बेल आइकन का ऑप्शन भी उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, उससे क्या होगा ना आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी. एंड गाइज, आप मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलो कर सकते हो लाइक मेरी आईडी का नेम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जल्दी से मुझे फॉलो करिए जा करके. एंड या तो जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी लिंक आपको सारे ही प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड या सो ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं ये मैंने ऑफलाइन परचेज की है. सो अगर मुझे इसके जैसी कहीं ऑनलाइन मिलती है तो मैं डाल दूंगी. कैसा लग रहा है आपको मेरे लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा. एंड या तो आज मेरा बर्थडे, मैं बहुत हैप्पी हूँ. सो या आप लोग मुझे विश कर सकते हो गाइस, मेरे बर्थडे मुझे गिफ्ट तो चाहिए होगा आपसे, तो आप भी मुझे छोटा मोटा सा गिफ्ट दे सकते हो लाइक कैसे आपको क्या करना है. सिर्फ और सिर्फ आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा आपका एंड मेरा बर्थडे गिफ्ट भी हो जाएगा. सो या स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को. एंड सो विदाउट एनी मोर डू सो लेट्स गेट नाउ गाइस, तो स्टार्ट करते हैं मेकअप. एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज इट्स माय बर्थडे. एंड या तो मैं आज फाइनली आपके सामने ही अपना लुक क्रिएट करने वाली हूँ. सो या स्टार्ट करते हैं मेकअप एंड बहुत ही स्मूथ एंड सटल सा लुक करने वाली हूँ मैं. स्किन केयर मैंने अपना कर लिया है बिकॉज प्रेप मैंने पहले कर लिया था एंड अभी स्टार्ट करेंगे सीधा प्राइमर से. सो प्राइमर के मैं आप यूज़ करने जा रही हूँ लाइक मेरा मोस्ट फेवरेट प्राइमर लैक्मे का एब्सोल्यूट ग्लो परफेक्ट प्राइमर. सो जल्दी जल्दी से मेकअप कर लेते हैं बिकॉज आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास. एंड या पार्टी किसी भी टाइम पर लोग आते ही होंगे एंड मुझे बहुत लेट हो गया है. सो जैसे कि आपको पता है कि प्राइमर कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए एंड क्यों अप्लाई करना चाहिए. सो अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊँ तो इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में आपको नहीं बता पाऊँगी. एंड इसके लिए आप मेरी कोई अदर वीडियोस देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी या फिर मैं आई बटन भी वी लिंक डाल दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा जा करके. सो प्राइमर को मैंने अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है. एंड नाउ नेक्स्ट में मैं आपको यूज़ करने जा रही हूँ कलर करेक्टर बिकॉज थोड़ा से डार्क स्पॉट्स को मैं हाइड करूँगी अपने. सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ सिस ब्यूटी की कवर स्टूडियो पैलेट एंड जैसा कि आप जानते हैं मैंने इस पैलेट को तोड़ दिया है. सो अभी मैं ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करूँगी अपने फिंगर की हेल्प से. मैंने अच्छे से कलर करेक्टर को अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हो. सो अभी नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ फाउंडेशन, जिसमें मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ पाउंड्स की बेबी क्रीम. एंड मैं फाउंडेशन बहुत ही लाइट रखने वाली हूँ बिकॉज मैं अपने बर्थडे पे इतना हैवी मेकअप नहीं करती हूँ. वाइज तो ये जो क्रीम है ना ये अपने फिंगर से भी आप ब्लेंड कर सकते हो. सो मैं फिंगर के अब से ब्लेंड करूँगी इसलिए क्योंकि ब्लेंडर से लाइक बहुत ही लाइट कवरेज हो जाती है क्रीम की. सो इस वजह से मैं फिंगर के हेल्प से डैबिंग मोशन से पहले इसे अच्छे से अपने फेस पे स्प्रेड कर लूँगी, इसके बाद मैं इसे अप्लाई करूँगी. सो ये आप देख सकते हो इस तरीके से गाइस, ये काफ़ी क्रीमी टेक्स्चर होता है इसका, जिसकी वजह से काफ़ी जल्दी ब्लेंड हो जाती है. नाउ गाइस, तो मैंने अच्छे से इसे अप्लाई कर लिया है अपने पूरे फेस पे एंड मैं चेक कर लेती हूँ. नाउ गाइस, तो मैंने फाउंडेशन को अच्छे से अप्लाई कर लिया है. सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्राइट कंसीलर यूज़ करने जा रही हूँ अपने अंडर आइज़ पे.
ले रही हूँ मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर एंड इसकी हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी। पे अप्लाई करने जा रही हूँ लाइक लूज पाउडर, तो मैं यहाँ पे लूज पाउडर की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूंगी अपने आईज को, जिससे कि कोई भी क्रीज ना आ जाए मेरी आईज पे। सो मैं लूज पाउडर के लिए यहाँ पे यूज कर रही हूँ जॉनसन्स बेबी का लूज पाउडर। तो ये आप देख सकते हैं, इसको आप एज अ ट्रांसलूशन लूज पाउडर बना करके यूज कर सकते हो। ले रही हूँ यहाँ पे पाउडर ब्रश एंड इसको मैं थोड़ा सा लिटिल बिट ले करके अपने अंडर आई पे अप्लाई करूंगी। सो मैंने अच्छे सेट कर लिया है एज यू कैन सी। एंड नाउ नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज करने जा रही हूँ ब्लश। सो मैं ब्लश एंड कॉन्टोर पहले यूज कर लूंगी जल्दी से। मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बहुत ही लाइट सा लेकर के कॉर्नर पे अप्लाई कर दूंगी। फॉरहेड पे भी, जॉ लाइन पे भी मैं जल्दी से ब्लेंड कर लूंगी। आपको जल्दी कहीं जाना है पार्टी में, सो आप मेरे तरीके का जो मैं हैक्स ट्राई कर रही हूँ आप कर सकते हो। काफी जल्दी ब्लेंड हो रही है सारी चीजें एंड प्रॉपर लुक आएगा। सो यहाँ ये भी ब्लेंड हो चुका है। नाउ नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज करने जा रही हूँ ब्लैक ब्लश हैक। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेरा ये लिप बाम एंड ये लिपस्टिक। सो नेक्स्ट अभी मैं इसको ब्लेंड करूंगी। सो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेरा ये एक्ने का लिप मॉइस्चराइजर, जिससे कि ये मैट लिपस्टिक अच्छे से ब्लेंड हो जाए मेरे चिक्स पे। इस वजह से मैं यहाँ पे अपना ये लिप बाम अप्लाई करती हूँ। थोड़ा सा सन किस्ड लुक जो आता है ना, बहुत प्यारा लगता है। सो नाउ मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी। सो अभी ये मेरे फिंगर से भी ब्लेंड हो जाएगा, सो मैं इसे फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड करूंगी। सो नाउ जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा मैं ब्लेंडर की हेल्प से रिमूव कर दूंगी। एंड नाउ नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज करने जा रही हूँ आई लुक। सो आई लुक के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ, आई लुक मेरा बहुत ही नॉर्मल होने वाला है। सो आप देख सकते हैं इस पैलेट में यूज करूंगी एंड इसमें से मैं हल्का सा ब्राउनी शेड लेकर के क्रीज पे अप्लाई कर दूंगी। सो ये अप्लाई हो चुका है। नाउ नेक्स्ट मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर लेती हूँ जल्दी से। सो मैंने अप्लाई कर लिया आप देख सकते हो। एंड अभी मैं आप लेने जा रही हूँ ब्लैक कलर का काजल। सो ये है लैक्मे का आइकॉनिक काजल। सो इसको मैं अपने आईज पे अप्लाई करूँगी इस टाइप से। बस मैं अंडर आई पे भी अप्लाई कर रही हूँ। सो मैं इसे स्मॉल ब्रश की हेल्प से स्मज कर दूंगी। मैंने इसे ब्लेंड कर दिया, आप देख सकते हो। उसमें सेम इस वाले से भी जल्दी से अप्लाई कर लेती हूँ। तो गाइस मैंने दोनों ऐसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। तो मैं व्हाइट कलर के शेड से फिर ब्लैक कलर के शेड को अच्छे से स्मज कर दूंगी। सो आप देख सकते हो इस व्हाइट कलर के शेड को मैं ले रही हूँ एंड उसी ब्लैक कलर के शेड के ऊपर मैं स्मज कर दूंगी, बिकॉज काफ़ी लाइट सा लुक चाहिए मुझे। सो आप देख सकते हो किस टाइप से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ, जिससे कि वाइट सा इफेक्ट आ जाए प्लस आईज थोड़ा सा शाइन करें। सो ये रेडी हो चुका है एंड लोअर लैश लाइन भी मैं सेम ऐसे ही करूँगी। सो या ये भी ब्लेंड हो चुका है। सो आप देख सकते हैं इस टाइप से मैंने लुक क्रिएट कर लिया है आईज का। सो मैं इस वजह से भी जल्दी से कर लेती हूँ। अब गाइस आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। सो अभी मैं क्या करूँगी, अपने आईज के कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लूँगी। सो मैंने अच्छे से अपने आईज के कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर लिया है। सो अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी, जो कि मैंने बहुत ही लाइट सा पहले फिल कर लिया था एंड मैं बहुत ही लाइट सा करने जा रही हूँ।
सो अभी मैंने आईब्रोज को सेट कर लिया है एंड अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा फाउंडेशन लेकर के अपनी आईब्रोज को क्लीन करूँगी। अच्छे से अपना आई लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, सो मैं अभी अपनी आईब्रो बोन को हाईलाइट करूँगी व्हाइट कलर के शेड से। अभी नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रही हूँ मस्कारा एंड उससे पहले मैं यहाँ पे यूज करूंगी व्हाइट काजल। सो व्हाइट काजल भी अप्लाई कर लिया है एंड नाउ अभी मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रही हूँ हाइलाइटर। सो जल्दी से हाइलाइटर अप्लाई कर लेते हैं। सो हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे सेम इसी पैलेट को यूज़ करूँगी एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई करूँ जिससे कि बहुत ही लाइट सा पाउडरी सा इफेक्ट आएगा। एज यू कैन सी आप देख सकते हैं कितना लाइट सा इफेक्ट आ रहा है ब्लेंडर से। नाउ गाइस आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने हाइलाइटर को भी अप्लाई कर लिया है अपने पूरे फेस पे। सो अभी मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ लिपस्टिक अप्लाई करूंगी, सो जो कि मैं उससे पहले अपने लिप को अच्छे से मॉइस्चराइज करूंगी एंड नाउ मैं यहाँ पे यूज करने जा रही हूँ रेड कलर के लिपस्टिक। सो मेरा बहुत मन है रेड कलर के लिपस्टिक अप्लाई करने का। सो ये है लैक्मे की फॉरएवर मैट लिक्विड लिप कलर। अभी मैं अपने आई लैशेज अप्लाई करूंगी एंड उसके बाद गाइज मैं अपने फुल कटअप के साथ आऊंगी। सो या गाइज तो ये मेरा फाइनल लुक, आई होप कि आप देख सकते हो, आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। सो कैसा लग रहा है आपको आज के मेरा लुक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया लिंक आपको वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। सो या मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो एंड मेरा ये लुक। सो या पसंद आई वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा एंड ऑल्सो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब मे चैनल, देन बगल में बेल आइकन का ऑप्शन भी है उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा एंड सोशल मीडिया से अकाउंट फॉलो कर सकते हो इस आईडी का नेम आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो, जल्दी से मुझे फॉलो करिए, वहाँ पे आपको मेरी अमेजिंग रील्स एंड पिक्स देखने को मिलेंगी जिनको आपको लाइक करना है एंड या तो ये थी मेरी आज की वीडियो एंड अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में लाइक सैटरडे और मंडे। So yeah, stay tuned and stay home and stay safe. Bye-bye.